आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। एम्स निर्देशक डॉक्टर गुलेरिया की सलाह, ओमिक्रोन हल्का संक्रमण, घबराए नहीं। भारत के रक्षा निर्यात को मिलेगा जोर, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस से जल्द हो सकती है डील। ब्रिक्स बैंक का सदस्य बना मिस्र, भारत ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह ने किया सावधान, कोरोना में बदलाव के साथ बढ़े मामले, सबको सतर्क रहने की जरूरत। कश्मीर में दो अलग अलग मुठभेड़ों में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी ढेर, 2 पाकिस्तानी आतंक भी शामिल। मालेगांव विस्फोट केस को लेकर कांग्रेस पर हमलावर सीएम योगी, कहा इस शरारत के लिए जनता से मांगे माफी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदला एक और नाम, झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मी बाई के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, दुर्गा शंकर बने नए मुख्य सचिव। नए साल में खुलेंगे रोजगार के द्वार, गोरखपुर में 5,000 से अधिक बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी स्कूलों के अनुदेशकों और रसोइयों को दिया नए साल का उपहार, बढ़ेगा मानदेय। नींबू में छुपाकर कर रहे थे ड्रग्स की सप्लाई, दुबई पुलिस ने पकड़ी 1 अरब रुपए की नशीली गोलियां। सूडान में पश्चिमी कोर्डोफन प्रांत में सोने का लालच पड़ा भारी, खुदाई के दौरान 38 लोगों की दबकर मौत। भारतवंशी राजनयिक उजरा जे तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक बनी। जॉर्डन की संसद में अचानक आपस में भिड़ गए सांसद, जमकर चले लात घूंसे। दुनिया में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12 लाख केस, यूएस में 4.41 लाख संक्रमित मिले। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल के बाद मुंबई की रणजी टीम में कर सकते हैं फर्स्ट क्लास डेब्यू। मोहम्मद सिराज सबसे सफल भारतीय गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी पीछे छूटे। न्यूजीलैंड के नंबर 1 बल्लेबाज रॉस टेलर ने संन्यास का किया ऐलान, 6 वनडे मैच और खेलेंगे टेलर। इरफान पठान दूसरी बार बने पापा, तस्वीर शेयर कर फैंस को दी गुड न्यूज। इंग्लैंड ने बनाया 0-0 शर्मनाक रिकॉर्ड, 144 साल के टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद सील हुई अर्जुन कपूर की बिल्डिंग, घर सहित पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा। इरफान खान की रुकी हुई फिल्म मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 इस हफ्ते ओटीटी पर होगी रिलीज। द वुल्वरीन फेम एक्टर ह्यू जैकमैन को हुआ कोरोना, किम कार्दशियन की पीठ डेविडसन ने नजदीकिया हेक्स हस्बैंड कान्या वेस्ट को नापसंद। सुनंदा शेट्टी ने किया बेटी का सपोर्ट, बोली घर वालों ने शमिता के
फ्रोजन कंधे का जिस तरह मजाक उड़ाया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निरहुआ काजोल संग फिल्म सदा सुहागन में नजर आएंगी आम्रपाली। निर्माता प्रदीप के शर्मा ने किया है साइन, बोले भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी तिकड़ी। 5:25 में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।